नाभा तो रूह कंबा घटना सामने आई है जिथे जलदे सीवे दे विचों कड़ी हुई अध सड़ी लाश नजर आई है। फायर ब्रिगेड की मदद नाल बुझाई गई अग ते सौरा परिवार वालों इत्थे नौ दा संस्कार किया गया सी। पेके परिवार ने सौरा परिवार उत्ते कतल दे गंभीर इल्जाम लगाए ने। डेढ़ साल पहला ही इत्थे व्याह किया सी। नाभा दे अलोरा गेट विखे रूह कंबाऊ घटना सामने आई है जिथे सौरा परिवार वालों अपनी नौ परमजीत कौर नूं मार के कतल करन दे सौरा परिवार ते इल्जाम लगे ने। उस तो बाद संस्कार किया गया। मौके ते शमशान घाट विच पेका परिवार पहुंचा ते पेके परिवार वालों इस जलते सीवे दे विचों पुलिस अते फायर ब्रिगेड की मदद नाल अध सड़ी लाश नूं बाहर कढ़िया गया। मृतक परमजीत कौर उम्र 24 साल दसी जा रही है, संगरूर की रहन वाली दसी जा रही है। मापिया वालों डेढ़ साल पहला इत्थे व्याह किया गया सी। पुलिस ने लाश नूं अपने कब्जे दे विच लैके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पेके परिवार ने सौरा परिवार उत्ते कतल करन दे गंभीर इल्जाम लगाए ने। कुछ देर पहला ही इस लड़की का विआह होया सी, जिस दौरान कई गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। इस दौरान सौरा परिवार से कतल करन दे पेके परिवार वालों इल्जाम लगाए गए ने कि सौरा परिवार वालों उसकी बच्ची का कतल कर दिता गया है। उस तो बाद जलते हुए सिवे दे विचों जी हाँ पखते हुए सिवे दे विचों इस बच्ची की इस लड़की की लाश कढ़ी गई है। सौरा परिवार ने इस नूं दा संस्कार किया सी। जिस तो बाद मौके ते पेका परिवार पहुंचया, इस बच्ची की लाश नूं बाहर कढ़िया गया। कुछ साल पहला ही इस लड़की का विआह होया सी। दस्या जा रहा है पेके परिवार के वलों तंग परेशान करन दे गंभीर इल्जाम लगाए गए ने कि सौरा परिवार लंबे समय तो उन्होंने लड़की नूं तंग परेशान करता सी, जिस बाबत बहुत बार अपील भी की गई, प्रशासन दे धक्के भी खाधे गए, पर बावजूद इस दे सौरा परिवार नहीं रुकिया। नाभा तो रूह कंबाऊ घटना सामने आई है जिथे सौरा परिवार ने नौ दा संस्कार किया ते फिर जलदे हुए सीवे दे विचों इस बच्ची की लाश कढ़ दी गई है। फायर ब्रिगेड अते पुलिस की मदद नाल इस लाश नूं बाहर कढ़िया गया। ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰੱਖੀ ਲੰਬੂ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੂ ਲਾ ਕਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਬਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਛੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਸਰ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ दाग लाण पिंड च मैनूं फोन करिया इन्हां ने नहीं करिया कहिंदा तेरी धी नूं दाग लाण नूं चलिया मैं ती मेरी तड़के गल मेरे नाल करी सुबह सुबह कहिंदे असीं उन्हां नूं फांसी लवाउणी सी मार के साडे मुलाजमां ने अपने ते परिवार वालों ने बड़ी मुशक्कत करके जिहड़ा इहनूं अग ते काबू पाया सेवा रोकिया ते हुण बाकी अगे इनवैसटीगेशन असीं कर रहे हां जी इहदी एस एस साहब भी टीम लैके गए ने जी उहनां दे परिवार दूजे रेड करन वास्ते बाकी जिवें बयान होणगे जी इनवैसटीगेशन करके उस उदां ही कार्रवाई कीती जावे। तुसीं इस मामले दे विच हरमीत बने हुए ने साढ़े नाल इस खबर तो उन्हों का रुख कर लेने। हरमीत सब तो पहले तो जानना चाहवेंगे कि कुछ पूरा का पूरा मामला निकल के सामने आया, बैकग्राउंड भी जानना चाहवेंगे जी। बिल्कुल थोनू दस दिए कि संगरूर की रहने वाली लड़की है, डेढ़ साल मापिया वालों इहदा ब्याह जिहड़ा नाभा दे लौरा गेट विखे किया गया सी, जिसनूं कि कल सवेरे इन्हां दे माता पिता दसण दे अनुसार लड़की की गलबात हुंदी है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 112 ਕਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਿਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿਵੇ ਨੂੰ
परिवार बिल्कुल जी परिवार का यही कहना भी साडे लड़की नू तंग परेशान करदे सन ते पुलिस वल्लों लड़की दे माता पिता दे बयानां दे आधार ते सहुरे परिवार ते मामला जिहड़ा दर्ज कर लिया गया। पुलिस वल्लों रात ही रेड़ा जिहड़े शुरू कर दित्तियां गईआं सन तां रात दे 9 बजे तक भी तकरीबन असीं उस शमशान घर दे विच रहे जिथों कि माता पिता दा करलाप जिहड़ा उह देखे नहीं गया, भैण भाईआं दा करलाप जिहड़ा देखे नहीं गया। उस माता पिता दीआं चार लड़कियां सन जिहनां चों इक लड़की नाभा दे विच पैसी हुई सी। जी हरमीत, जी हरमीत बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा इस तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों तक एक बार फिर तो पूरा का पूरा मामला दस दिए, ये मामला एक इस बच्ची का संस्कार कर दिया गया बिना उसके पेके परिवार तो इजाजत लिते, गंभीर इल्जाम लगाए गए ने इतने पेके परिवार के वलों कि सहुरा परिवार लंबे समय तो तंग परेशान करता सी, संस्कार कर दिया गया, कतल करन दे गंभीर इल्जाम लगे ने सहुरा परिवार उत्ते। थोड़ा मामले दे विच जांच पड़ताल की जा रही है, पर उत्थे अजिहे दे विच एक होर दुखद खबर ये वापरी, घटना उत्थे ये वापरी कि इस बच्ची के चलते हुए सीवे दे विचों इस बच्ची की अधसड़ी लाश नूं बाहर कढ़िया गया।